फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट नजवा कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नजवा व्लॉगर्स। आज का व्लॉग है फिर से मेरे मेकअप के बारे में। आप लोगों ने कहा था, आप लोगों को मेकअप, आई मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम आई मेकअप करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, सबसे पहले हम लगाएंगे अपनी बेस। सो फ्रेंड्स, हमारा फाउंडेशन जो है वो मैश हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। अब हम कंसीलर को टैप टैप कर अब ये चार शेड्स हैं जिन्हें मैं यूज़ करके अपने आईज पे अपना आई मेकअप करूँगी। अब ये शेड यूज़ करूँगी। लाइट सा शेड जो है हम ये यूज करेंगे। अब इसको लगाने के बाद अब हम वापस से ये वाला शेड लगाएंगे। आई मेकअप करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ न्यूड पेंसिल। अब हम लगाएंगे मस्कारा। अब हम करेंगे कंटूरिंग। चाहे तो वो पहले आप उससे पहले भी कर सकते हैं, मेकअप से पहले। अगर बाद में भी करना चाहें तो बाद में भी है। एट्यूड की मेरे पास है कंटूर किट। सो अब इसके बाद हम लगाएंगे ब्लशन। ब्लशन है हमारे पास रिवाज का। हमेशा ब्लशन ऐसे ही ब्रश से लगाया जाता है। हमारा ब्लशन भी लग चुका है, अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। सो फ्रेंड्स, हाइलाइटर भी हो गया, अब हम लिपस्टिक लगाएंगे।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इस पर सबसे ज़्यादा ये होता है कि अगर आपकी आपने अगर आई मेकअप जो है वो डार्क किया है तो हमेशा लिपस्टिक को लाइट रखना चाहिए, और अगर आपका आई मेकअप लाइट है तो हमेशा लिपस्टिक को डार्क रखना चाहिए। तो क्योंकि मेरा आई मेकअप जो है वो थोड़ा लाइट है तो इस वजह से मैं लगाऊंगी डार्क लिपस्टिक। सो फ्रेंड, लिपस्टिक भी डन हो चुकी है मेरी और मेरा बाकी का भी लुक पूरा हो चुका है। तो मेकअप कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं और फिर हम शादी पे जाने के लिए रेडी। लास्ट चीज़ जो मेरी रह गई है वो है मेरे लेंस। मैं इन्हें देखें ऐसे ही यू घुमाऊंगी और ये मेरी आंखों में चली जाएंगी। सो लेंस भी मेरी आंखों में जा चुके हैं। अब फाइनल मेरा जो रह गया वो हेयर स्टाइल है और इयररिंग्स है, तो मैं ये कंप्लीट कर गया। सो फ्रेंड्स, मेरे बाल हो चुके हैं सेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। बाय।